एक माँ अपने ही बच्ची को अपने सामने इस तरीके से तड़पता हुआ देख रही थी कि उसने खुद उस बच्ची के लिए मॉर्फिन का लीथल डोज की रिक्वेस्ट की। उस माँ को अपनी ही बच्ची को ब्रेस्टफीड करने से रेस्ट्रिक्ट कर रखा था क्योंकि डॉक्टर्स ये देखना चाहते थे कि एक ह्यूमन बॉडी बिना कुछ खाए पिए कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकती है। शी ट्राइड फीडिंग अ सोक्ड ब्रेड विद वाटर बट द बेबी ग्रू वीक एंड द मदर इवेंचुअली गिव इन। उस माँ का नाम था रूथ इलियस, जो वर्ल्ड वॉर टू के हॉलोकॉस्ट की सर्वाइवर थी। वर्ल्ड वॉर टू के हॉलोकॉस्ट के बारे में सोचते ही हम नाजीज के इनह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं, जहाँ एक तरफ जूस को गैस चेंबर्स में भेजा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जूस नाजीज के मेन एजेंडा का शिकार उनके साइंस लैबोरेटरीज में बनते थे। नाजीज का मेन एजेंडा था टू प्यूरिफाई द आर्यन रेस, तो इसीलिए वो जूस और उनके जैसे बाकी रेसेस को आर्यन सोसाइटी से अलग करना चाहते थे, जिसकी वजह से कई जूस को मौत का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ जगह इस एजेंडा को उनके साइंस लैबोरेटरीज में पूरा किया जाता था, जहां जूस पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। नाजीज ने इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में इनह्यूमैनिटी की जो हद पार की है ना, वो सुनके शायद कोई पत्थर दिल वाला भी कांप उठेगा। और सबसे अजीब बात क्या आपको पता है? खैर, वो वीडियो शुरू होने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। स्टेरिलाइजेशन। कार्ल क्लॉबर्ग, ये नाम है नाजी जर्मनी के एक गायनोकोलॉजिस्ट का, जो ऑशविट्स के कैंप के लैब में फीमेल्स को लाकर ये कहता कि उनका रेगुलर चेकअप हो रहा है। वो ये देखता है कि उनके सर्विक्स से लेकर ओवरीज तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, और दो तीन सेशंस के बाद उन फीमेल्स को जब ये अश्योरेंस हो जाता कि उनका रेगुलर चेकअप ही हो रहा है, वो उनके फलोपियन ट्यूब्स में केमिकल इरिटेंट इंजेक्ट कर देता। इस इरिटेंट को इंजेक्ट करने के बाद उनकी फलोपियन ट्यूब्स इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेल अप होने लगती, व्हिच मेड देम इनकेपेबल ऑफ बियरिंग बेबीज इन द फ्यूचर। और जब भी किसी औरत को इस एक्सपेरिमेंट का, इस चेकअप का अंजाम पता चल जाता, उसे गैस चेंबर्स की तरफ मौत का सामना करने भेज दिया जाता। इस पूरे प्रोसीजर का रिजल्ट चेक करने के लिए उनके जेनिटेलिया पर एक्सरे का यूज किया जाता था। इस ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन औरतों के साथ दो चीजें होती थी, या तो उनको ऑर्गन फेलियर का सामना करना पड़ता था या उनकी मौत हो जाती थी। और ये बात यहीं पर आकर नहीं रुकती, जो फीमेल्स इस एक्सपेरिमेंट को सर्वाइव कर लेती थी उनको भी मार दिया जाता था ताकि उनकी बॉडीज पर ऑटोप्सी की जा सके। लेकिन ये सब क्यों? वेल, आप सुन के शॉक में जाने वाले हो। ये उनके लिए आर्यन रेस का एक हाइजीन चेक था। दीज एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड टू डेवलप अ बेनिफिशियल मेथड टू स्टेरिलाइज पीपल। 1933 के जर्मनी में अगर कोई जर्मन, ज्यूइश या रोमानी सिटीजन नाजी एस्टैब्लिश जेनेटिक हेल्थ कोड के हिसाब से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से गुजर रहा हो, उसे कंपल्सरीली स्टेरिलाइज होना पड़ता था ताकि वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस करके ये डिजीज, ये डिसऑर्डर्स आगे के जनरेशन में ना फैलाए। जेनेटिक हेल्थ कोड बना ही इसीलिए था कि वो डिसाइड करे कि किसे स्टेरिलाइज करना है और किसे नहीं। वहां के मेंबर्स एक डिजीज के हिस्ट्री के हिसाब से ये स्टडी करते थे कि कोई डिजीज प्रोक्रिएशन से एक फैमिली लाइन को डेंजरसली अफेक्ट करेगी या नहीं। ये डिजीजेस डिसऑर्डर्स तो एक साइड पे है, पर अगर नाजी जर्मनी में कोई अल्कोहलिज्म से भी गुजर रहा हो तो उस पर इनकेपेबल ऑफ प्रोक्रिएशन का स्टैंप लगा दिया जाता था, तो ये बंदा चाहकर भी अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। अब इस प्रोसीजर के लिए पहले सर्जिकल मेथड का यूज किया जाता था, पर इतने लोगों की सर्जरीज करना नाजीज के पॉकेट पे काफी भारी पड़ रहा था, तो इसलिए दे चोज केमिकल्स। सिल्वर नाइट्रेट और आयोडीन का इस्तेमाल करने की वजह से वैजिनल ब्लीडिंग और सर्विकल कैंसर जैसी भयानक डिजीजेस सामने आने लगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने रेडिएशन मेथड अपनाया, जहां सब्जेक्ट्स को रेडिएशन से एक्सपोज करके उनकी स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को हैम्पर किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवर एक्सपोजर की वजह से काफी सब्जेक्ट्स को रेडिएशन बर्न्स का भी सामना करना पड़ा। मेन के जेनिटेलिया और वुमेन के एब्डोमेन पर एक्सरेज यूज किए जाते थे, और फिर बिना एनेस्थीसिया के उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकालकर उन पर स्टडीज होती थी। कार्ल क्लॉबर की तरह एक और इंसान डॉक्टर के नाम पर नाजीज की हैवानियत फैला रहा था। उसका नाम था डॉक्टर हर्मन स्टीव। ये स्टेरिलाइजेशन के लिए सिर्फ औरतों को चूज करता था और उन्हें उनका डेट ऑफ डेथ बताकर साइकोलॉजिकली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाल देता था, जस्ट टू स्टडी कि स्ट्रेस का असर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर कैसे पड़ता है। फिर उन्हें मारकर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकालकर उन्हें एग्जामिन करता था। एंड आई विश बात यहीं पे खत्म हो जाती, बट सम ऑफ दीस टेस्ट सब्जेक्ट्स वर रेप्ड एंड मर्डर्ड जस्ट टू स्टडी द पाथ ऑफ द स्पर्म। इन स्टेरिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में कई लोग मारे गए और लगभग 4 लाख लोग स्टेरिलाइज कर दिए गए इन द नेम ऑफ जर्मन सोल्जर्स। ये सब वॉर के समय हो रहा था, and all of these experiments were supposed to benefit the soldiers to overtake the enemy. और अगर human soldiers के conditions को better करने की research करनी है, तो you need human subjects, right? अब इस mentality से आगे बढ़ते हुए, September 1942 से December 1943 तक, Ravensbrück concentration camp में एक experiment किया गया, जहां एक इंसान से दूसरे इंसान में bone, nerve और muscle regeneration और bone transplantation की studies होने वाली थी। पर इससे पहले हम ये पता करते हैं कि anesthesia क्या है
और इसे क्यों यूज किया जाता है। अब जब भी हमें चोट लगती है तब हमारे बॉडी के पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर जो एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है उसका काम ये होता है कि वो मैसेज को उस पेन रिसेप्टर से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक कैरी करे और तब जाके हमें महसूस होता है कि हमें एक्चुअली चोट लगी है। जब भी किसी इंसान की कोई सर्जरी हो रही होती है तब उसके पेन को कम करने के लिए उसे स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया जाता है। अभी एनेस्थीसिया नर्व रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और इससे ब्रेन के लिए पेन प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनेस्थीसिया का इन्वेंशन हुआ था 1846 में और तब से लेकर आज तक इसे सर्जरीज में पेन कम करने के लिए यूज किया जाता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं नाजी एक्सपेरिमेंट्स में हो रहे सर्जरीज की और यहाँ नाजीज को उनसे इंफीरियर रेसेस की पेन की क्या पड़ी थी। जब बोन नर्व्स और मसल्स को स्टडी करने की बारी आई तब कैंप से रैंडमली लोगों को उठाया जाता और बिना एनेस्थीसिया के उनके बोन्स मसल्स और नर्व्स रिमूव कर दिए जाते। बट व्हाई वर दीज पीपल बीइंग एम्प्यूटेटेड सो ब्रूटली। वेल, ये चेक करने के लिए कि क्या एक सब्जेक्ट से हाथ पैर निकाल कर एक दूसरे विक्टिम में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वैसे इसका जवाब उन साइंटिस्ट को तो नहीं मिला पर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से कई प्रिजनर्स की काफी दर्दनाक मौत हुई। इन हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनकर बचने वाली जादविगा कमिंचका ने रैवेन्सबर्ग में बिताए अपने टाइम को कोर्ट में बताया। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ दो सर्जरीज हुई थी और इन दोनों सर्जरीज के बाद उनको काफी हाई फीवर आया था और प्रॉपर मेडिकल केयर के ना होने की वजह से उनको काफी ज्यादा पेन से भी गुजरना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वहां के डॉक्टर्स वुंड पर प्रॉपर ड्रेसिंग भी नहीं करते थे, वो भी जान पूछ कर, ताकि बार बार ड्रेसिंग खोलकर वो वुंड की कंडीशन स्टडी कर सके। बनाए हुए नए ड्रग्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं बस ये देखने के लिए प्रिजनर्स के बोन मैरो में बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जाता था। इन एक्सपेरिमेंट्स में फीटल इंजरीज की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और बाकियों को परमानेंटली फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। इसके अलावा जर्मन पायलट्स की कंडीशन को बेटर करने के लिए दो तरह के और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते थे एड्रेसिंग दीस टू कंडीशंस। इफ अ जर्मन पायलट लैंड्स ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड हाउ मेनी डेज विल ही सर्वाइव। इस सवाल का जवाब पता करने के लिए 1942 के डकाउ कैंप में साइमन रैशर ने कुछ प्रिजनर्स को उठाया और लो प्रेशर चेंबर्स में डाल दिया। ये चेंबर्स 68,000 फीट के प्रेशर को सिमुलेट करने के लिए बनाए गए थे। इस एक्सपेरिमेंट के दो स्टेजेस थे। पहले स्टेज में उन प्रिजनर्स को उस चेंबर में डाला जाता था और दूसरे स्टेज में उनके ब्रेन को कट ओपन करके उनकी कंडीशंस को स्टडी किया जाता था। 200 में से 80 प्रिजनर्स इस एक्सपेरिमेंट में मारे गए। साइमन रैशर ने हाइनरिक हाइमलर जो नाजीज का एक बहुत वेल नोन मेंबर था उन्हें इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लेटर में बताया। उन्होंने उस लेटर में ये बताया कि उस एक्सपेरिमेंट के शुरू होने के बाद एक 37 साल का आदमी अचानक अपना सर हिलाने लगा और उसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गया जिसके बाद उसे क्रैम्प से गुजरना पड़ा। गिरने के बाद वो हर एक मिनट में 3 बार सांस ले रहा था और 30 मिनट बाद उसने सांस लेना ही बंद कर दिया। और ये सुनने के बाद भी हाइमलर ने रैशर को एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करने के ऑर्डर दिए। इसके अलावा एक और कंडीशन ये थी कि अगर एक जर्मन पायलट एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस फेस करता है तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। अब इसके आंसर्स ढूंढने के लिए प्रिजनर्स को -6 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में रखा गया। अब आप खुद ही सोचिए कि बर्फ 0 डिग्रीज पर बन जाती है और इन प्रिजनर्स को बिना कपड़ों के -6 डिग्री वाले कमरे में रखा जाता था। इस एक्सपेरिमेंट के वक्त मौजूद एक असिस्टेंट ने यह कहा कि इन प्रिजनर्स की बॉडी को रिवॉर्म करने के लिए इन्हें बॉइलिंग वाटर में डाला जाता था विच मेंट इमीडिएट डेथ फॉर सम प्रिजनर्स। और जब साइमन रैशर ने स्टडी के रिजल्ट को पब्लिश किया तब हाइमलर ने यह कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से हाइपोथर्मिया से अफेक्टेड बॉडीज को रिवॉर्म किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में करीब 100 लोगों की मौत हुई। सी वाटर एक्सपेरिमेंट। इन द नेम ऑफ बेटरिंग द परफॉर्मेंस एंड इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ अ सोल्जर इनोसेंट विक्टिम्स वर पुट टू डेथ बाय एक्सट्रीम टॉर्चर। इतना टॉर्चर कि उन्हें फ्रेशली मॉब फ्लोर को लिख करके अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी। जी हाँ, सही सुना आपने। साल था 1944 और तब ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कि समंदर के खारे पानी को ड्रिंकेबल कैसे बनाया जाए बट इन द मोस्ट ब्रूटल मैनर। डकाउ कैंप के प्रिजनर्स को कई दिनों तक खाना और पानी से दूर रखा जाता था एंड द ओनली थिंग दैट वाज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ देम वाज फिल्टर्ड सी वाटर। हम नॉर्मली सॉल्ट कंज्यूम करते हैं पर काफी कम अमाउंट में। सी वाटर ऑन द अदर हैंड हैज अ लॉट ऑफ सोडियम इन इट। हमारी किडनी सी वाटर से कम सॉल्टी ही यूरिन प्रोड्यूस कर पाती है और इसीलिए इफ समवन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ सॉल्टी वाटर हमारी किडनीज को और भी ज्यादा पानी चाहिए होगा टू डाइल्यूट द वेस्ट लीविंग आवर बॉडीज डिहाइड्रेटेड। और इससे क्या होगा, और ज्यादा प्यास बढ़ेगी। 90 रोमानी सोल्जर्स जो इस दर्दनाक एक्सपेरिमेंट का शिकार बने उनके साथ भी वही हुआ। उन्हें बस फिल्टर्ड सी वाटर दिया जाता था और उनकी बॉडीज काफी ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी। इतनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड कि उनको सिर्फ पानी चाहिए था, चाहे वो फ्रेशली मॉब्ड फ्लोर से भी क्यों ना हो।
इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चलते ही रहे। कभी हेड इंजरी एक्सपेरिमेंट के नाम पे 12 साल के बच्चे को कुर्सी पे बांध कर मल्टीपल टाइम्स हैमर से हर मिनट उसके सर पे मारा जाता, और कभी फीमेल मस्किटोज के म्यूकस ग्लैंड को निकालकर हेल्दी प्रिजनर्स को इन्फेक्ट किया जाता, वो भी जानबूझकर। इस ब्रुटैलिटी का अंत तब हुआ जब नाजी गवर्नमेंट का डिक्लाइन शुरू हुआ। हम एंजल ऑफ डेथ यानी जोसेफ मेंगेल के एक्सपेरिमेंट्स को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें 1500 ट्विंस को लिया गया और उनपे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें से सिर्फ 200 बच्चे जिंदा बच सके। अगर अभी तक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है और आपको ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल में एक और वीडियो है, ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसका लिंक शायद से आपको यहां या यहां कहीं पे तो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखें। 1945 से 1946 तक हो रहे इन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, या मैं कहूं मेडिकल हॉरर्स के क्रिमिनल्स को सजा सुनाई गई, एंड दीज ट्रायल्स वर नोन एज द न्यूरनबर्ग ट्रायल्स। तो अगर आपको याद है तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे चौंका देने वाली बात कुछ और है। तो वो बात ये है कि कई लोग इस बात पर डिबेट करते हैं कि नाजी के इन एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करना चाहिए एज दे कैन बी यूजफुल। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि दीज एक्सपेरिमेंट्स वर बेनिफिशियल फॉर द वॉर। न्यूरनबर्ग ट्रायल्स के बाद यूएस ने न्यूरनबर्ग कोड बनाया, जिसमें ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए एथिकल रिसर्च प्रिंसिपल सेट किए गए, और 80 से ज्यादा नाजी डॉक्टर्स जो इन एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व थे उन्हें कैप्चर करके अमेरिका ले जाया गया ताकि वो अपना रिसर्च न्यूरनबर्ग कोड के हिसाब से कंटिन्यू कर सके। इन नाजीज के मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा ब्रूटल थे कि प्रिजनर्स गैस चेंबर से ज्यादा लैबोरेटरीज का नाम सुनकर डरते थे, यानी वो डेथ से ज्यादा नाजीज के ब्रूटल टॉर्चर से डरते थे, जिसमें उन्हें जानवरों से भी बदतर कंडीशंस में रखा जाता था। तो आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से लाखों की जान चली गई उनसे अभी किसी की जान बचाना एथिकल होगा या नहीं? तो आपको जो लगता है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। And do not forget to like this video, share this video. And if you haven't yet, go and subscribe to Vic Brain ko yaar. Kya kar rahe ho? Kar lo subscribe.